नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर पुलिस के दामन पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे कंधों पर सितारे रखे दरोगा जी। सनीगवा चौकी इंचार्ज की तर्ज पर बेटी को खोजने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से दरोगा जी ने डलाया 1600 का डीजल। 19 जनवरी से गायब बेटी को तलाशने में पिता की जेब पर पड़ रहा डाका। दिल्ली लोकेशन मिलने पर दोबारा चलने के लिए फिर रुपयों का इंतजाम करने की पही बात। आवास विकास चौकी इंचार्ज और सिपाही ब्रजेश ने बेटी को तलाशने के लिए रखी डिमांड। अधिकारियों की मेहनत और साख पर बट्टा लगा रहे उन्हीं के माथत। सनीगवा चौकी इंचार्ज पर डीआईजी के सख्त कार्रवाई से भी सीख नहीं ले रहे दरोगा सिपाही। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास चौकी का है। शिव गोपाल, क्या मामला है आपका? मेरी बेटी खो गई है। कितनी तारीख को? 19 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी। कौन से थाने में? नौबस्ता। उसके बाद पुलिस ने कोई मदद करी? पुलिस ने मदद किया, गए फतेहपुर। अच्छा। 1600 का डीजल डलवाया गया। अच्छा। गाड़ी पे। अच्छा। उसके बाद उनको बाप को पता किया गया, बाप का नाम निकल गया है, लड़के का नाम खाली मतलब डिसिप था, उसमें लड़के का दूसरा नाम था कोई। कौन आपको लेके गया था फतेहपुर? वो ब्रजेश गए थे और चौकी इंचार्ज गए थे। कौन सी चौकी? ये आवास विकास। फिर बेटी मिली आपकी? बेटी को बताया गया दिल्ली में है। अब बता रहे दिल्ली में? हाँ। फिर इसके बाद बोले कि तैयार रहना, कहना तैयार रहना, किसी दिन बुला सकता हूँ मैं, और डीजल के हो सकता है खर्चा लगेगा तुम्हारा। खर्चा हमको बताया नहीं है कितना लगेगा, कह रहे थे खर्चा लगेगा, जो लगेगा आप जैसा समझना वैसा अपने, कह रहे थे जाना पड़ेगा साथ में, डीजल अब भरवाना पड़ेगा। अच्छा, आना जाना, हम चाहते हैं साहब बेटी मिल जाए मेरी। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिक्योरिटी के नौकरी करता हूँ, हम किसी से ले लूँ के दिया था 1600 रुपया, मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे जाके। हम एक लड़का पालता हूँ, अभी बच्चा अपना 12 साल की उम्र का है, उसको आज ड्यूटी करवा रहा हूँ दूसरी जगह, अपनी जगह पे। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं हमारी बेटी आ जाए बस, हमारे घर पे सलामत। पैसे की व्यवस्था नहीं है? पैसे की व्यवस्था नहीं है सर।